नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साहित्यवाणी के यूट्यूब पोर्टल पर। दोस्तों, मैं एस एस पुनिया आज सभी साथियों को लेकर आया हूं आज के वीडियो में यशपाल का जीवन परिचय। आज हम बात करेंगे यशपाल के साहित्यिक परिचय और यशपाल के जीवन परिचय के बारे में। तो पहले बात करते हैं यशपाल का जीवन परिचय। तो यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को हुआ था। इनकी जन्मभूमि है फिरोजपुर छावनी पंजाब। मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को। इनके अभिभावक थे हीरालाल और प्रेम देवी। कर्म क्षेत्र इनका रहा ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में इनका प्रथम स्थान है। ये साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं या मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। यशपाल के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय की जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आज पहले बात करते हैं कहानी संग्रह। तो इनका कहानी संग्रह है ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मामृत और चिंगारी, वे दुनिया वो दुनिया, फूलों का कुर्ता और धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी 1951 इसका प्रकाशन वर्ष है, मैंने बराबर में दे रखी है। चित्र का शीर्षक पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की मां, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। अब बात करते हैं यशपाल जी की कुछ प्रमुख कहानियों के बारे में। तो चक्कर क्लब, पर्दा, आदमी और खच्चर और कुत्ते की पूंछ, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। फिर बात करते हैं यशपाल जी के निबंध संग्रह। तो न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की सब परीक्षा, ये चक्कर क्लब कहानी है, प्रिंटिंग मिस्टेक से यहां आ गई है। बात बात में बात 1950 ईस्वी। फिर है देखा सोचा समझा 1951, मार्क्सवाद और सिंहावलोकन, ये तीन खंडों में इनकी आत्मकथा है। संस्मरण में कुछ संस्मरण जो कि 1990 में प्रकाशित हुए। यशपाल जी को पुरस्कार व सम्मान कौन कौन से मिले, इनकी साहित्य सेवा तथा प्रतिभा से प्रभावित होकर रीवा सरकार ने देव पुरस्कार 1955 में दिया था। फिर इन्हें सोवियत लैंड सूचना विभाग ने सोवियत लैंड पुरस्कार दिया था 1970 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया 1971 में। फिर भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि प्रदान करके इनको सम्मानित किया। इस पाल जी से संबंधित विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। ये प्रगतिवादी उपन्यास परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। झूठा सच, देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित इनकी सर्वश्रेष्ठ और चर्चित उपन्यास है। अपने उपन्यासों में इन्होंने नारी की समस्या को भी पूरी सहानुभूति से प्रस्तुत किया है। इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। ये सुखदेव और भगत सिंह के सहयोगी थे। क्रांतिकारी आंदोलन करने ने जेल भी जाना पड़ा। जेल से मुक्त होने के बाद इन्होंने विप्लव मासिक पत्र निकाला, यानी विप्लव नामक मासिक पत्र इन्हीं का था। इन्होंने पिंजरे की उड़ान और नई वो दुनिया कहानियां जेल में ही लिखी थी। अब हम बात करते हैं यशपाल जी के उपन्यासों के बारे में। यशपाल ने हिंदी साहित्य को अपनी अनोखी रचना धर्मिता से समृद्ध किया है। इनके 12 उपन्यास प्रकाशित हुए जो कि इस प्रकार हैं, जैसे दादा कामरेड, इनके प्रकाशन वर्ष मैंने दे रखे हैं 1941, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, ये 2 भाग हैं इसके, सन 1958 और 1960, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे और मेरी तेरी उसकी बात, ये सन 1974 में प्रकाशित हुआ। इनमें दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, जो भी 2 भाग में, और तेरी मेरी उसकी बात राजनीतिक उपन्यास की कोटि में आते हैं। इन सभी उपन्यासों में मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इनके उपन्यासों के बारे में विस्तार से। तो पहले बात करते हैं दादा कामरेड यशपाल का प्रथम उपन्यास है। इसमें यशपाल की बदलती राजनीतिक चेतना और प्रेम तथा यौवन विषय परिकल्पनाएं परिलक्षित हुई हैं। उपन्यास का एक छोर यदि राजनीति संबंध है तो दूसरा छोर प्रेम काम विवाह और नारी की सामाजिक स्थिति से। ये उपन्यास 12 छोटे छोटे अध्याय में विभक्त है। कितने अध्याय? 12 अध्याय में।
जिस रोचक ढंग से उपन्यास का ताना बाना बुना गया है, यह यशपाल की रचनात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। इसमें गांधीवाद, क्रांतिकारियों का प्रभाव, कांग्रेसी संघर्ष, साम्यवाद का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। पूरे उपन्यास के मेरुदंड में अंग्रेजी सत्ता का शोषण, अफसरशाही तथा उनके सिपाहियों के आतंक की व्याप्ति दिखाई पड़ती है। राजनीतिक एवं सामाजिक शक्तियों की पहचान की दृष्टि से दादा कामरेड की अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही है। दूसरा उपन्यास है इनका देशद्रोही। देशद्रोही यशपाल का दूसरा उपन्यास है। इसमें सन 1930 से लेकर 1942 ईस्वी तक की राजनीतिक हलचलों को समेटा है। इसमें साम्यवादी दल के प्रति जनता में व्याप्त भ्रांतियों का निराकरण किया गया है। दादा कामरेड में प्रेम की नई नैतिकता है तो देशद्रोही में रोमांस का रंग अधिक है। यशपाल ने इस उपन्यास में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और उनकी नीतियों को उद्घाटित किया है। रोमानी प्रसंगों की अधिकता के कारण इसमें राजनीतिक पक्ष कम है। गोदान के बाद देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का इतना सफल चित्रण किसी अन्य उपन्यास में नहीं मिलता। यानी गोदान के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक जीवन का सफल चित्रण देशद्रोही में है यशपाल जी के। इस उपन्यास में व्यक्ति को जागरूक रहने, संघर्ष से जुड़े रहने और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तीसरा उपन्यास है इनका पार्टी कामरेड। इस उपन्यास की रचना सन 1946 ईस्वी में हुई। ये लघु उपन्यास है। इसमें राजनीतिक वातावरण का चित्रण है। सामाजिक समस्याओं का वर्णन उपन्यास में कम ही हुआ है, फिर भी यहाँ भी पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी के निरीह स्थिति का चित्रण हुआ है। ये उपन्यास आकार में छोटे होते हुए पूर्ण रूप में सक्षम है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत कांग्रेस, कम्युनिस्ट के ध्वन, अंग्रेजों के दमनचक्र, सैनिक विद्रोह, पूंजीपतियों की स्वार्थपरक विचारधारा तथा प्रचार के साधनों के दुरुपयोग का सशक्त दस्तावेज है ये उपन्यास। अगला है इनका मनुष्य के रूप। सन 1949 ईस्वी में उपन्यास लिखा गया। इसमें वर्तमान स्त्री प्रेम, विवाह, समर्पण भावना आदि समस्याओं को गंभीर पूर्वक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। देशद्रोही और कामरेड की तरह इसमें भी लेखक ने प्रेम प्रसंगों को अधिक उभारा है। फिर है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित उपन्यास झूठा सच भाग एक। झूठा सच में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पूर्व हुए सांप्रदायिक दंगों का व्यापक और यथार्थ चित्रण किया गया है। ये चित्रण इतना वास्तविक और हृदय विदारक है कि उपन्यास न केवल हिंदी साहित्य बल्कि संपूर्ण विश्व साहित्य में मैं अपनी अमित छाप छोड़ता है। फिर झूठा सच भाग दो है। झूठा सच भाग दो में स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति का सही चित्रण किया गया है। सत्तासीन नेताओं की स्वार्थ सिद्धि को व्यंगात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। सांप्रदायिकता की आग को भड़काने में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी चालों के उल्लेख के साथ साथ नेताओं की अधिकार लिप्सा, स्वार्थपरता का रेखांकन भी उपन्यास में दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद है 12 घंटे। 12 घंटे में प्रेम और विवाह की नैतिकता संबंधी पुराने मूल्यों को चुनौती दी गई है। प्रेम और विवाह की नैतिकता को केंद्र बनाकर यशपाल ने इसके स्वरूप पर गंभीरता से विचार किया है। लेखक ने प्रेम और विवाह विषयक नैतिक मूल्यों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। फिर हम इनका क्यों फंसे। क्यों फंसे में उन्मुक्त यौनाचार और नर नारी संबंधों का विश्लेषण है। प्रेम और यौन संबंधों में किसी प्रकार की नैतिकता, एकाधिकार और स्वामित्व को भी निरर्थक समझते हैं। नर नारी संबंधों में इस पर संतति निरोध के उपायों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके बाद है संकटमोचक। संकटमोचक में परिवार नियोजन के कार्यक्रम, संतति निरोध के उपायों को व्यक्त किया गया। इसमें सामान्य और सत ही कोटि की कथा विनश्यत की गई है। ये उपन्यास बेहद कमजोर उपन्यास है। फिर है तेरी मेरी उसकी बात। ये सन 1947 में लिखा गया। 1942 की क्रांति पर आधारित है लेकिन कथानक पराधीन भारत की तीव्र राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि से निर्मित है। इसमें यशपाल ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रमुख विषय बनाया है। उनका विश्वास था कि क्रांतिकारी भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। राजनीतिक प्रसंगों के साथ लेखक ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रकाश डाला है। इसके बाद है इनका दिव्या। दिव्या में लेखक ने ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयास किया है। ये उपन्यास इतिहास की नई संभावनाओं का संकेत देता है। ये उपन्यास युग युग में युग युग से प्रताड़ित, त्रस्त, शोषित दलित नारी का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बौद्धकालीन उपन्यास की संज्ञा भी दी जा सकती है। यानी बौद्धकालीन उपन्यास की संज्ञा किसे दी जाती है तो यशपाल के उपन्यास दिव्या को। नारी उस युग में भी शोषण का शिकार थी, विलासिता की वस्तु थी। आज भी उसकी स्थिति भिन्न नहीं है। आज भी वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं। अतः दिव्या ऐतिहासिक और समकालीन दोनों ही है।
इसके बाद इनका उपन्यास है अमिता, ये उपन्यास 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास विश्व शांति आंदोलन की प्रेरणा से लिखा गया। यशपाल ने 6 वर्षीय बालिका के माध्यम से ये प्रतिपादित किया है कि जब तक व्यक्ति अहंकारी और अपनी महत्वाकांक्षाओं की परितृप्ति करता रहेगा, तब तक सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति आदि मूल्य प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। अगला इनका उपन्यास है अप्सरा का साथ। इसमें दुष्यंत शकुंतला के विषय, यानी दुष्यंत शकुंतला विषय पौराणिक आख्यान को नवीन आयाम देने का प्रयत्न किया गया। इस कृति के माध्यम से पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी शोषण की समस्याओं को एक बार फिर उठाया गया। लेखक ने दिव्या, अमिता, अप्सरा का साथ, ये जो ऐतिहासिक उपन्यास है, इसमें इसकी पृष्ठभूमि नारी जीवन की स्थितियों को मूर्तिमान किया है। तो दोस्तों, ये था यशपाल से संबंधित आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं।